हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाड़ी पाटिल आईटी एकेडमी। माय सेल्फ जय प्रकाश सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग आयनिक बॉन्ड डिस्कशन कर रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने लैटिस एनर्जी तक डिस्कशन कर रखा था। कुछ लोगों को डाउट है, किसी ने कमेंट किया था सर हाउ टू नो कि एटम के ऊपर -2 चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। तो पहले उसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बाकी हमें आज पढ़ना था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। तो पहले हम बता देते हैं कि चार्ज कैसे हमें पता चलेगा कि चार्ज क्या होता है। जैसे हम चार्ज की बात करें तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर 8 है, जिसका कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1H2, 2H2, 2P4, ठीक है, 8 होगा कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अब देखिए कि इसके एक सेल n=1 है और दूसरा n=2 है, तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने आपको बताया था कि लेविस कोजल ऑक्टेट जो रूल होता है, एटम वही स्टेबल होता है जिनके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन, जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। बट इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होना कितना चाहिए? 8। तो अगर 8 होगा तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कितना हो जाएगा? 2-8। मीन्स ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। तो जब कोई गेन करता है तो उतना ही चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, जैसे यहां पे क्या आ जाएगा? O-2। तो दो बाहर से, पहले ऑक्सीजन जब न्यूट्रल था उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8, और इसका कॉन्फिगरेशन 2, 6। बट फॉर स्टेबिलिटी जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां भी इसका कॉन्फिगरेशन देखिए कितना था? 2-6। आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ओ कैरी -2 चार्ज, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में एड करेंगे तो कितना हो जाएगा? और एक चीज आप ये भी नोटिस करिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे आउटर मोस्ट सेल में करेंगे, यहां पे नहीं ऐड करना है कि 2+2=4 हो जाए, एक गलत हो जाए। आप इलेक्ट्रॉन रिमूव भी करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव भी करेंगे, अगर हम ये बात करें कि n=1 है और n=2 है और n=2 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको 8 बनाना है, तो आप इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करेंगे? आउटर मोस्ट सेल में। आप इनर सेल में एड नहीं करेंगे, और निकालेंगे भी कहां से? आउटर मोस्ट सेल। तो जितना जिस इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वही उस पे चार्ज डेवलप होता है फॉर ऑक्टेट कंप्लीशन। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो फिनोमिनन हो रहा है, मे बी ओ गेनिंग मे बी ओ लूजिंग, वही चार्ज उसके ऊपर डेवलप होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, एक और एग्जाम्पल ले लें, फ्लोरिन की बात करें, फ्लोरिन का एटोमिक नंबर कितना होता है? 9। कॉन्फिगरेशन कर लीजिए, तो दिस इज द 1H2, 2H2, 2P5। तो आउटर मोस्ट सेल कितना है? यही है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में आप देखेंगे इसका कॉन्फिगरेशन, KLM से आप 10th में पढ़े होंगे, तो क्या लिखेंगे? 2, 7। बट आइटम तभी स्टेबल होगा जब उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। बट अभी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर जाता तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तब देख लेंगे यहाँ पे कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ पे? ऐड करेंगे। तो एफ से पहले न्यूट्रल था, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एफ पे क्या हो जाएगा? -1 चार्ज। यहाँ पे इसका कॉन्फिगरेशन क्या था? 2, 7। और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे इसका कॉन्फिगरेशन 2, 8। 7 से 8 कब बना? जब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना है? माइनस। नेक्स्ट अगर एग्जांपल आप देखिए, पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम ले लीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और इसका कॉन्फिगरेशन करेंगे कितना? 1H2, 2H2, 2P, 6, 3S, 1।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहां से यहां तक एक सेल, यहां से यहां तक एक सेल, यहां से यहां तक एक सेल, 2.8 कॉमा कितना होगा 1, बट इसके आउटर मोस्ट में होना कितना चाहिए था 8, तभी स्टेबल होगा जब इसके आउटर मोस्ट में 8 होगा, बट आउटर मोस्ट में कितना है 1 है, तो 1 से 8 बनाने के लिए हमें 7 गेन करना पड़ेगा और 1 से 8 बनाने के लिए 1 लूज करना पड़ेगा। तो आप सोचिए 7 गेन करना इजी होगा या फिर 1 लूज करना, एनर्जी कहां पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा? आप अगर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो आप एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो एनर्जी में कम खर्च करना है। तो आप क्या करेगा यहां पे, अगर ये सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्या 2.8 आ जाएगा, तो 2.8 आएगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल हो जाएगा, इसके हमें चाहिए भी आउटर मोस्ट में कितना। तो इस बार सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, बट बाकी वाले केस में ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फ्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जब गेन कर रहा है तो माइनस चार्ज आ रहा है, अब क्या कर रहा है निकाल रहा है, तो निकालने के लिए क्या लिखेंगे, पहले सोडियम का कॉन्फिगरेशन कितना था 2.8 1, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो सोचिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया था कितना टोटल 11 और 1 निकाल दिया तो बचे कितने 8 और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो क्या इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो यहां पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इसने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो चार्ज क्या आएगा 2.8, अगर गेन करेगा तो उतना ही माइनस, लॉस करेगा तो उतना ही प्लस, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आप देख लीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था समझ पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और फर्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, पहला पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्टेट। ठीक है, आप सभी जानते होंगे स्टेट का मतलब क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसियस होगा, तो आप बताओ कौन सा होगा, गैसियस होगा या फिर लिक्विड होगा या सॉलिड। आपने जब आयनिक कंपाउंड बना रहे थे तो वहां पे देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा और डिस्टेंस बिटवीन द जो कैटायन था जो एनायन था उसमें बहुत कम था, अगर डिस्टेंस स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल और आयन अगर हम बोले कि बहुत कम होगा तो जो एटम है कैटायन और एनायन वो दोनों पास पास होंगे, जितना पास होंगे उतना सॉलिडिफिकेशन होगा, क्योंकि गैसियस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या करता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रैंडमली वो मूव करते हैं, वो गैसियस होता है, फ्लाइंग उड़ते हैं। दूसरा अगर हम बात करें लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी गैसियस से ज्यादा होता है बट वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखेंगे तो गैसियस से ज्यादा होता है, पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे होता है सॉलिड में, तो सॉलिड में डिस्टेंस कम होगा तो वहां पे क्या होगा सॉलिड। तो यहां पे भी आयनिक कंपाउंड में भी द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज वेरी लेस, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो लिखेंगे यहां पे कि आयनिक कंपाउंड और क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन मीन सॉलिड, इन नेचर किस नेचर का होगा सॉलिड नेचर का, एंड एटम्स आर अरेंज इन रेगुलर अल्टरनेटिंग पैटर्न, रेगुलर अल्टरनेटिंग पैटर्न। पहले तो हमें बता दें कि भी ये सॉलिड नेचर का होगा, दूसरा ये है
कि जो एटम्स और आयंस होंगे सब रेगुलर अल्टरनेटिंग पैटर्न में होंगे। रेगुलर अल्टरनेटिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि आप देखिए, हमने पहले लैटिस एनर्जी में आपको बताया था कि रेगुलर अल्टरनेटिंग का मतलब वन पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जाएगा तो फिर से पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव, फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव। आप ई वाला करेक्ट होगा, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, ये जो अरेंजमेंट होगा ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करने लगेगा तो वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनता ही कब है, जब एक कैटायन और एक एनायन दोनों कंबाइन करते हैं, दे आर फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, आयनिक बॉन्ड और नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल इन टर्म्स ऑफ फोर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा, चार बॉन्ड दे देंगे चार टाइप के, कि आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी आगे सारे बॉन्ड पढ़ेंगे, अभी हम लोग आयनिक की बातें कर रहे हैं। पूछेगा इसमें से नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कौन सा है, तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स में नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि उसको अगर कभी किसी एटम से बॉन्ड बनाना है तो ये नहीं देखेगा कि ओवरलैपिंग बेटर है या पुअर है, ऐसा कुछ नहीं। जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां पे क्या कर लेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके अपने ऑर्बिट को क्या करेगा, कंप्लीट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो आयनिक बॉन्ड होता है क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। थर्ड पॉइंट, इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, यहां पे इन आयनिक कंपाउंड ईच एटम Each atom are surrounded by oppositively charged atom, जिसकी हम बात करेंगे आयन। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में जो एटम है, जो आयन है, ऑपोजिटिवली चार्ज से क्या करेंगे, चारों तरफ उसके क्या रहेंगे, अपोजिट चार्ज जैसे, और इट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे, 12th में सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है वहां पे पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि देख लीजिए, इन आयनिक कंपाउंड ईच एटम आर सराउंडेड बाय अ पॉजिटिवली चार्ज एंड एटम, यहां पे लिख लिया, एंड इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देखिए भी जो आयन्स होंगे, it may be positive, it may be negative, this one। अब देखिए यहां पे मान लेते हैं कि आयन ऐसे ही अरेंज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, this one। अब देखिए ध्यान से, इस जो आयनिक क्रिस्टल है, हमने बताया कि आयनिक कंपाउंड एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज से मिलके बनते हैं, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड ऐसे ही बना होगा, वन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो हमने पॉइंट लिखा है कि आयनिक कंपाउंड ईच एटम या ईच आयन सराउंडेड बाय अपोजिटिवली एटम, अपोजिटिवली चार्ज एटम, मींस आयन हमने लिखा है, इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। आप देखिए कोई भी चार्ज सेम चार्ज से डायरेक्ट ज्वाइन नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके तरफ चारों तरफ क्या लगा हुआ, पॉजिटिव। अच्छा, अब देखिए इसमें हमने एक नया टर्म यूज किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप देखिए एक नेगेटिव चार्ज, वन नेगेटिव चार्ज और वन पॉजिटिव चार्ज, हाउ मेनी
अपोजिटिवली चार्ज एटम से ज्वाइंट है, डायरेक्टली कितना अटैच है, कितने उसके सराउंडिंग में है। तो अगर इस नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसको मान लेते हैं ये वाई है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखें क्या कौन कौन से, अगर नेगेटिव चार्ज है सभी क्या होंगे पॉजिटिव, इससे डायरेक्टली कौन सा ज्वाइंट है, देखिए क्या ये ज्वाइंट है, क्या यहां पे ज्वाइंट है, यहां से इससे ज्वाइंट है और इससे ज्वाइंट है। देखिए इस नेगेटिव चार्ज से जो आपने सेंटर में ले रखा है, इस नेगेटिव चार्ज से कितने एटम ज्वाइंट है, चार, फोर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हम बोलेंगे कि जितने एटम ज्वाइंट होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आई थिंक क्लियर होगा कि इट मे बी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव को देखो, अगर इस पॉजिटिव को देख रहे हैं तो इसको देखिए कितने नेगेटिव चार्ज से ज्वाइन कर रहा है, फोर से, यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, फोर। आप चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, अरेंजमेंट कुछ ऐसे करेंगे। सेकेंड, अगर हमें देखिए यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे डायरेक्टली कितने एटम ज्वाइंट है, टोटल हाउ मेनी एटम आर ज्वाइंट, जैसे यहाँ पे अरेंज किए वैसे वहां पे भी अरेंज करेंगे। देखिए अगर इसको सेंटर में लेंगे तो हाउ मेनी एटम्स आर एंड आर ज्वाइंट इन अल्टरनेटिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सिक्स एटम एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। तो पहला तो हमने लिखा कि एनी कंपाउंड में ईच एटम सराउंडेड बाय अपोजिटिव अपोजिटिवली चार्ज इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोई नेगेटिव चार्ज चार पॉजिटिव से डायरेक्टली ज्वाइंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा। इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, बट अगर वही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर सिक्स एटम से ज्वाइंट होगा तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सिक्स। एट भी हो सकता है, ट्वेल्व भी हो सकता है, कितने एटम से ज्वाइंट है उतना ही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यही हो गया आपका थर्ड पॉइंट, फोर्थ। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड। ये हमें ट्वेल्थ में पढ़ना है, फिलहाल यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे आएगा तो आप देख लीजिएगा, उससे आप डाउट मत होना। पहला जो आयनिक सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है उसका नाम होता है फेस सेंटर क्यूबिक, जिसको हम लोग बोलते हैं एफसीसी शेप बोलते हैं, कि जिसमें एफसीसी टाइप का अरेंजमेंट है, सॉलिड जो हम लोग अरेंजमेंट प्लस माइनस का देख रहे हैं उसका एक नाम है एफसीसी। सेकेंड, बॉडी सेंटर क्यूबिक कॉल्ड द बीसीसी। थर्ड वन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दिस इज द सीसीपी। तो और भी बहुत सारे अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल है, बट आप ऐसे देख सकते हैं कि जो प्लस माइनस करके जो आयनिक क्रिस्टल बनाता है उस आयनिक क्रिस्टल में कुछ इस टाइप के नेमिंग होते हैं, एफसीसी, बीसीसी, सीसीपी, एससीपी। ठीक है, बहुत सारे अरेंजमेंट है जो हमें टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बहुत सारे टाइप के अरेंजमेंट है जो हमें आगे पढ़ना है। तो फिलहाल तो हम इतना बता रहे हैं कि इस टाइप के आयनिक सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करना है फिफ्थ पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट।
ऐसे लिख लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी वेरी भी लिख सकते हैं वेरी वेरी हाई, बिकॉज क्यों बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सॉलिड है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए तो उसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ड्यू टू, क्या लिख लेंगे यहां पे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक ये हो गया हम दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट और ले लेते हैं, सिक्स पॉइंट पढ़ लेते हैं यहीं पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि ये जो आयनिक कंपाउंड है क्या उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्ट होगा, क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, उसकी बातें कर रहा है। तो इसके दो पॉइंट पढ़ लेते हैं, पहला तो लिख लेंगे इट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अच्छा सोचिए कि हमने लिख रखा है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करेगा, एक दूसरे से दूसरे जगह फ्लो नहीं करेगा, जैसे वायर में करंट फ्लो करता है वैसे आयनिक कंपाउंड में नहीं करेगा, सॉलिड स्टेट में जब रहेगा तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक का कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास किसी वायर में करंट फ्लो करता है, मतलब जो इसको इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, कि यहाँ पे आप सोचिए ये मार्कर हमने ले लिया, इस मार्कर पे आप करंट, ये वायर है और यहाँ पे आप करंट लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ पे आ जाएगा, तो जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तब तक इस टर्मिनल पे तो करंट नहीं आएगा। तो सॉलिड के फॉर्म में अगर हम बात करें कि करंट कब फ्लो करेगा, तो ये सॉलिड है, वायर तो है नहीं, कोई मेटल तो है नहीं, आप आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड में मेटल तो है नहीं, एल्यूमिनियम नहीं है, कॉपर नहीं, आयरन तो है नहीं, कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक करंट, तो क्यों नहीं होता है, इट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो करंट तभी फ्लो करता है जब उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आयन से मूव करेंगे। तो अब लिखेंगे यहां पे बिकॉज आयन डू नॉट फ्री टू मूव्स मतलब उसके आयन मूव नहीं करते, तो जब वो एटम मूव नहीं करेंगे, आयन मूव नहीं करेंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं करेंगे, अगर उसके इलेक्ट्रॉन मूव से नहीं करेंगे तो करंट एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो नहीं करेगा, तो फ्लो नहीं करेगा तो इसलिए वो क्या है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कब, बट इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस फॉर्म और उसी को बोलते हैं मोल्टेन फॉर्म। क्या क्या होगा अभी, बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म का मतलब आप सोचिए कि NaCl, जो आप टेबल सॉल्ट लेते हैं, जो सॉल्ट लेते हैं NaCl, आप सॉल्ट में वायर लगा दो, ऐसे सूखा ड्राई सॉल्ट है तो वहां पे करंट इस जगह से फ्लो नहीं करेगा। आप मुझे बहुत 1-2 kg का आप ले लीजिए सॉल्ट, उसका एक पर्टिकुलर कोई क्रिस्टल ले लीजिए 1-2 kg का, एक तरफ वायर लगाइए दूसरी तरफ करंट नहीं आएगा, लेकिन उसी क्रिस्टल को पानी में आप डाल दीजिए
पानी में जब डाल देंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे आफ्टर सॉल्यूशन, अब उसके इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर उसके इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे तो आप करंट का वायर अगर उस वाटर में डालते हैं तो पूरे जो है कि जो वाटर है वहां पे हर जितना वाटर है सब जगह पे करंट क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो बट इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। एक्वस का मतलब आपने जो भी आयनिक कंपाउंड उसमें वाटर में डिसॉल्व कर रखा है उसका एक्वस सॉल्यूशन बना। जब किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी को मोल्टेन फॉर्म बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट जब रहेगा तो वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन जब एक्वस फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका सेविंग पॉइंट। हमें बात करनी है सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। चलिए अब पहले तो सीख लेते कि सॉलिबिलिटी क्या है। सॉलिबिलिटी बहुत लोग जानते होंगे, सुना भी होगा इस पर्टिकुलर टर्म का नाम कि सॉलिबिलिटी क्या है। सॉलिबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। जैसे NaCl को आप कहां डिसॉल्व करोगे, वाटर में। तो NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो देखोगे कि वो डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका डिसॉल्वेशन ज्यादा होगा, बोलेंगे अगर डिसॉल्व हो रहा है तो सॉल्युबल है, अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं बना रहा है, तो उसको बोलेंगे कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इनसॉल्युबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जितने आप सॉल्ट लेंगे सभी का रेट वाटर में डिसॉल्व होने का एक ही होगा। किसी का हो सकता है 10% हो, किसी का 5% हो, किसी का 50% हो, किसी का 100% हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो किस सॉल्ट का कितनी सॉल्युबिलिटी होगा उसको यहां इस पॉइंट में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। हम लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लाइक वाटर, किसी चीज को, किसी सॉल्यूट को, किसी सॉल्ट को, किसी सॉल्वेंट, जैसे वाटर हम ले लिया, वाटर को सॉल्वेंट बोले, तो सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, अगर वो डिसॉल्व हो गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गया, और बाद में जो बनता है वो क्या होगा, सॉल्यूशन। जैसे अगर आप सोचिए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो ये क्या देगा आपको, सॉल्यूशन देगा। अब सॉल्यूट में हम कोई आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने क्या लिया, NaCl। अब NaCl आयनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि Na पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस। सॉल्वेंट यहां पे हमने वाटर ले लिया, ठीक है, तो आपको दोनों मिक्स करके आपको दे देगा, दोनों मिक्स करके वाटर दे दिया, दोनों मिक्स करके क्या बना देगा, सॉल्यूशन। आप घर पे भी देखे होंगे कि NaCl को सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सॉल्वेंट और भी होते हैं, वाटर होता है, बेंजीन होता है, फिनोल होता है, बहुत टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। तो अब पहले हम सॉल्वेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्वेंट के अगर हम बारे में पढ़े तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होते भी पोलर सॉल्वेंट, पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। चलो अब देखते हैं पहले पोलर को, दूसरे को नॉन पोलर को। तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जिस पे चार्ज हो, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस हो, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, अगर एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। जैसे वाटर ले ले, वाटर ही हमने लिया है, वाटर के अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया होगा एच, और ये एच बना रखा होगा सिंगल बॉन्ड। आप पिछले आप लेक्चर में देखिएगा, हमने बताया आपको कि हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्टेट, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए तो चार इलेक्ट्रॉन इसके रेस्ट में बच गए होंगे, इसकी अभी जरूरत नहीं है। बट अभी स्ट्रक्चर की जरूरत है कि पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए बना है, तो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय टू इलेक्ट्रॉन, और टू इलेक्ट्रॉन किसका, वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीजन।
बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस, और उतना ही चार्ज किसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव। ये हमने लिखा है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, जितना नेगेटिव यहां पे आ रहा होगा उतना ही पॉजिटिव आएगा। ऐसा नहीं कि माइनस टू आ गया प्लस वन, अनबैलेंस हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं। अगर किसी एटम पे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से चार्ज आ रहा है, तो जितना चार्ज नेगेटिव यहां पे आएगा उतना ही चार्ज यहां पे आएगा। तो अगर कोई सॉल्वेंट जहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आ रहा है, सच टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये होता है कि जहां पे चार्ज डेवलप ही ना हो, नो चार्ज, हम लिख सकते हैं यहां पे नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन। बट पोलर में क्या होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन होना चाहिए, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। बट नॉन पोलर में नो चार्ज सेपरेशन, जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल हाँ बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, और अभी आगे पढ़ना है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, इसका अगर आप बेंजीन आप देखे होंगे 9th-10th में, तो यहां पे बन जाएगा, और ईच कॉर्नर पे कार्बन होता है यहां पे, और यहां पे आप हाइड्रोजन रहता है, ये भी देखे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, बट यहां पे कार्बन और कार्बन है, तो क्या कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगा, जितना पावर जितनी कैपेसिटी इस कार्बन का होगा उतनी ही कार्बन का इसका होगा, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना ही नहीं देना, तो ना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ही नेगेटिव चार्ज, तो दोनों कार्बन पे एक एक कार्बन के रिस्पेक्ट में चार्ज जीरो होगा, न्यूट्रल हो गया। अगर ये न्यूट्रल हो गया तो सच टाइप ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। तो यहां तक अभी समझ में आ गया कि हमने वाटर लिया, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, दूसरा कौन सा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे, तो अब इसमें एक प्रिंसिपल होता है, पहले तो ये समझ में आ गया कि पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है। पोलर का मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब देयर आर नो चार्ज सेपरेशन, कोई भी नहीं पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव नहीं होगा। तो अब सेम टाइम में देखिए, जब ये NaCl बना होगा तो Na पे प्लस आएगा, Cl पे क्या आएगा, माइनस। तो ये भी कौन सा सॉल्ट हो गया, कौन सा कंपाउंड हो गया, पोलर कंपाउंड। जब भी किसी कंपाउंड पे जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव होगा वो सारे कंपाउंड क्या होंगे, पोलर। और किसी सॉल्वेंट पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा तो सभी सॉल्वेंट क्या होंगे, पोलर। तो सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या है, सॉल्युबिलिटी, इसमें होते हैं कि पोलर डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, सेकेंड वन नॉन पोलर डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, यहां तक आपको क्लैरिटी हो गई कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो इसमें जो है कि प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी में आप देखिए कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे, आप लिखिए यहां पर याद रखिए कि ऑल आयनिक कंपाउंड और पोलर सॉल्वेंट, सॉरी पोलर सॉल्यूट,
जितने आयनिक कंपाउंड है सभी क्या है, पोलर सॉल्यूट है, तो ऑलवेज सभी पोलर सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। तब इसकी सॉल्युबिलिटी की बातें करते हैं कि सॉल्युबल कैसे होता हो उसको देखते हैं। तो पहले देख सॉल्युबिलिटी, आप देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो जितना सॉल्युबल होगा वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। बट द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी द टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड बहुत है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि जो NaCl का डिसॉल्वेशन है वही दूसरे कंपाउंड का भी होगा, वही ग्लूकोज का भी होगा, वही शुगर का भी होगा, ऐसा नहीं है। सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, सबका डिसॉल्वेशन अलग अलग होता है। आई थिंक आप प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं देखा होगा कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि NaCl अगर डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, बट अगर वही शुगर लेते हैं तो शुगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका कुछ अमाउंट डिसॉल्व होता है, कुछ अमाउंट उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होकर के बॉटम ऑफ द यूटेंसिल का होता है, बॉटम ऑफ द बीकर या बॉटम ऑफ द ग्लास, वो क्या होता है आके कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे सॉल्युबिलिटी पूरा जितने शुगर लेके डिसॉल्व नहीं होगा। तो हर सॉल्ट की हर सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है। तो बट सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ polar dissolving polar and non-polar dissolving non-polar solvent.